हम पहुंचे हैं पार्किंग के पास भी। सॉरी, मैं माइक आज घर पे ही भूल गया, तो जो भी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो गोप्रो के माइक से हो रही होगी। तो ये वाला पार्किंग एरिया है, यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है सारी, और हम जाएंगे आगे से जहाँ पे चढ़ना है, चढ़ने वाला पार्ट है। ये कुछ ऐसा आता है सीढ़ियों का चढ़ने वाला, यहाँ पर आप आएंगे तो ऐसे कुछ स्टेयर्स दिखेंगे आपको यहाँ से चढ़ने के लिए। तो सिंस अभी बारिश है तो ये थोड़ा गीला पार्ट है, तो हम यहाँ से कोशिश करते हैं चढ़ने की। कोशिश करना कि आपके पास अच्छे शूज़ वगैरह हो यहाँ पे चढ़ते वक्त। ये वाला स्टेयर सही लग रहा है, हम यहाँ से चढ़ते हैं। वही जैसा मैंने कहा था, कोशिश करना अच्छे जूते पहन के आए ताकि आपको चढ़ने में आसान होगी, अच्छी खासी ग्रिप मिलेंगी पैर को। स्लीपर पहन के तो बिल्कुल नहीं आना क्योंकि काफ़ी स्लीपर ही है। फिर भी अभी उतनी बारिश नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत तो सूखा है एरिया, इतना भी गीला नहीं है। ये कुछ देख रहे होंगे आपको, यहीं से टॉप वहीं पे जाना है। ओके, तो ये आ गया दूसरा पड़ाव। ये इतना कुछ टफ नहीं लग रहा है, चढ़ने लायक है, थोड़ा सा चढ़ने लगे। कोशिश करना आप ज़्यादा सामान ना लेके आए अपने पास, खासकर बैकपैक वगैरह में। यहीं से आपको कुछ नज़ारा देखने मिलेगा। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बीच के पोर्शन में सूरज जो गिर रहा है माउंटेन्स पे। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस करेगा इस पे। ओके, ओहो ये देखो उसका पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा कैमरा में, ये सही है। आज सैटरडे तो उस हिसाब से आई थिंक सो क्राउड भी अच्छी खासी दिख रही है। अभी यहाँ पे तो नहीं दिखेंगे क्योंकि आए तो कुछ लोग जा रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं, होपफुली ऊपर फोर्ट पे पब्लिक रहेंगी, देखते हैं। ये कुछ ऐसे अंदर से जाना है, इतना भी डेंस नहीं है यहाँ पे, काफ़ी खुला रास्ता है यहाँ से जाने के लिए। हाँ, थोड़े थोड़े लोगों की आवाज़ आने लगी है यहाँ से नज़दीक ही, हम पहुँच रहे धीरे धीरे। जैसे आई थिंक सो जब ज़ोर से बारिश रहेगी यहाँ पे पानी ज़्यादा स्पीड में रहेगा बहता हुआ, अभी फ़िलहाल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ट्रैक कर रहे हैं। ये कुछ अभी तक सीढ़ी आई नहीं है, तो अभी भी हम नीचे की तरफ ही है और थोड़ा चलने पे शायद हमें सीढ़ियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। बट यहाँ से थोड़ा बहुत फोर्ट दिख जाता है राइट में देखोगे तो। ओके, अभी भी हम क्या बोलते हैं उसको, पेड़ पौधों के बीच में से ही जा रहे हैं। अभी तक सीढ़ियाँ शुरू नहीं हुई है, होपफुली और एक 5-10 मिनट में सीढ़ियाँ देखने शुरू हो जाएंगी।
बट काफी साफ रास्ता है ये, ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली जैसी बात नहीं है, आराम से आ सकते हैं ट्रैक करने। बट हमें आज लेट हुआ आने में, सो आई विल सजेस्ट अगर आपको आराम से जाना है रुक रुक के तो बेटर है आप जितने जल्दी आ सकते सुबह में आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि लगभग एक पौन घंटा या एक घंटे के करीब आपको जाएगा पहुँचने के लिए, तो उस हिसाब से आप प्लान करना। ये आपको कुछ ऐसा बोर्ड दिखेगा तो ये देख लेना, ये साइन फॉलो करते हैं, आपको जाना है ऊपर फोर्ट की तरफ ताकि आप रास्ता ना चुके। ओहो यहाँ पे सो थोड़ा सा भी डेंस काइंड लग रहा है, कुछ इस तरह से डेंस है, थोड़ा संभल के ही चलना है। मच्छर वगैरह तो नहीं दिख रही यहाँ पे, बट कोशिश करना अगर आप फुल स्लीव्स पहन सके तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। यस हम ऊपर चढ़ रहे हैं, आई थिंक सो ये ख़त्म होने के बाद सीढ़ियाँ दिख जाएंगी हमें होपफुली। जैसा मैंने कहा था अगर आपको ये ट्रैक करना है तो जितने जल्दी आ सके उतना आ जाइए, ताकि उतरते वक्त भी अंधेरा ना हो, क्योंकि सिंस बारिश का मौसम चालू है अंधेरा जल्दी हो जाता है। ये आ गया और एक चढ़ाव वाला पाथ, यहाँ से आप थोड़ा संभल के जाइए, कोशिश करना पत्थर के यहाँ से जाना ताकि स्लिप होने का चांस ना हो। ये कुछ किले कोरीगढ़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप पॉज करके देख सकते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। ओ फाइनली सीढ़ियाँ आ गई, बट सीढ़ियाँ तो आ गई बट कितनी सीढ़ियाँ है अभी ये चढ़ते वक्त ही पता चलेगा हमें। कुछ आधा पार्ट दिखता है, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो यहाँ से थोड़ा जैसे पहला मंदिर मिलता है ये वाली जगह पे हम पहुँच गए, अभी हम मंदिर वाले एरिया में आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी गुफा है, ये है मंदिर, और इसके बस सामने ही आपको कुछ यहाँ अगर रुकना है रेस्ट करना है तो बेंच है लगे हुए, और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है यहाँ से कि बारिश भी आ गई है। तो कुछ ऐसा दिखता है वो मंदिर से, ये सीढ़ियाँ कुछ ऐसी आती है इस तरफ, और इस तरफ हमें और चढ़ना है। थोड़ी बारिश आ चुकी है, थोड़े से हम भीग चुके हैं। ओहो बारिश को प्रबंध करना पड़ेगा। ओह लगभग पहुँच चुके हैं, हमारा पहला ही ट्रैक था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा हमें, अगर आप ऑलरेडी ट्रैक करते हो तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये कुछ ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा आपको यहाँ से, और ये थोड़ी सी स्टेज चढ़ने बची है हमारे लिए जो कि हम चढ़ेंगे। ओके थोड़ा सा रेस्ट लिया था, फर्स्ट टाइम आएंगे जैसे मैंने कहा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको चढ़ते वक्त। ये कुछ ऊपर से ऐसा नज़ारा दिखता है काफ़ी सुंदर, ये भी सीढ़ी का आखिरी पड़ाव है जो हम चढ़ रहे हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ थोड़ी सी छोटी है, ये कुछ आखिरी पड़ाव है सीढ़ियों का, और यहाँ से ख़त्म होके ये आपको वो दरवाज़ा दिख रहा होगा
जो कि फाइनली हमने चढ़ लिया आज। हो फर्स्ट टाइम ट्रैक किए थे कर रहे इसलिए थोड़ा सा भारी पड़ गया। ये आ गए हम मेन दरवाजा जैसा दिखता है। ऊपर की तरफ जा रहे हम। ऊपर तो वेदर देखो इतना फॉगी है। ये कुछ ऊपर आने के बाद ये वाले दरवाजे से आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा। आज कुछ ज़्यादा ही फॉग है, बारिश के मौसम में यूजुअली आपको इतना फॉग देखने मिलेगा ही। और जैसे आप यहाँ पे आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी गई है इस मार्बल पे, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे कुछ नोटिस भी लिखा हुआ है। जाएंगे तो यहाँ पे कुछ अच्छा खासा बेंचेस वगैरह बने हुए हैं जिसपे आप बैठ सकते हैं। ये काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है यहाँ पे। अभी जितनी थकावट अभी हम ये चढ़ते वक्त हो गई थी ये रोड पे, उतना ही आप यहाँ पे आके बैठ जाएंगे तो काफ़ी सुकून मिलेगा आपको। काफ़ी ठंडी हवा चलती है और वेदर काफ़ी प्लेजेंट है। और ये रहा महादेव शंकर का मंदिर। मंदिर के पीछे की तरफ आप अगर आएंगे इस साइड थोड़ा लेफ्ट में तो आपको कि ये कुछ पानी दिखेगा जहाँ पे जमा हुआ है। काफ़ी बड़ा तालाब जैसा है। ओके तो हम जरा आए हैं ऊपरी तरफ। ये बोल सकते हैं कि दीवार है मेन बाहर की। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना फॉग होने के कारण बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है हमें, बट फिर भी कोशिश कर रहे कि थोड़ा आगे जाके देख लेते हैं कुछ है तो। वैसे तो हम कोशिश कर रहे जितने भी पार्ट है यहाँ पे कवर करने की, बट टाइम की कमी के कारण हम जितना हो सके उतना शूट करेंगे। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हैं बीच बीच में, जैसे कि अगर आपको इस तरफ सीढ़ियाँ हैं
नहीं, इस तरफ सीढ़िया नहीं, जहाँ से हम पहले चढ़े थे वहाँ सीढ़िया थी, इधर नहीं है। काफ़ी सारा फॉग है यहाँ पे, और इतना फॉग है कि हमें अगर फोटो भी शूट कर रहे हैं या फोटो क्लिक कर रहे हैं तो एज सच कुछ दिख नहीं रहा है हमें फोटो में, सब फॉग ही दिख रहा है। हम यहीं तक आके रुक गए और यहीं से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फॉग इतना है कि हमें कुछ आगे दिख भी नहीं रहा है और पता नहीं एंड कहां तक है। तो अब एक टाइम भी हो चुका है, लगभग 5 बज गए और हमें 1 घंटा जाएंगे उतरने में, तो बेटर है हम वापसी जाते हैं। ओके, तो हम अभी उतर रहे हैं, अभी बज चुका है लगभग 5:15, 1 घंटा तो हमें जाएंगे उतरने में। अभी जाते वक्त तो हमें इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, बट मौसम कुछ ज़्यादा ही फॉगी है अभी, बट यहाँ पे विजिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ, हम नीचे उतर चुके हैं, लगभग आधे रास्ते में, और ये कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है अभी। ये लास्ट स्पॉट है हम लोग का जो हम शूट कर रहे हैं। ओके गाइस, फाइनली हमने कोरीगढ़ फोर्ट का ट्रैक कंप्लीट किया आज, और हम अभी आ चुके हैं नीचे की तरफ। और ये जो पॉइंट है, यहाँ से आपको कुछ पार्किंग दिखेंगे, गाड़ी पार्क किए हुए, और यहाँ से अभी हम नीचे उतरेंगे।